वेलकम दोस्तों, आज हम बॉयलर की एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। बॉयलर की एफिशिएंसी इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका थीम ऐसा है कि किसी भी चीज में अगर हम ये मानते हैं कि कोई चीज का परफॉर्मेंस अगर 100 है, माइनस होने वाले जितने भी लॉसेस हैं ये आपको उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी देंगे। दिस विल गिव यू एक्चुअल एफिशिएंसी। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी चीज में हमको ये पता है कि बॉयलर में अगर हमने 100% कोई इनपुट डाला और लॉसेस में है, जैसे ड्राई फ्लू गैस लॉस है प्लस लॉस ड्यू टू मॉइस्चर है प्लस लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन है प्लस रेडिएशन लॉस है, अमूमन इतने अपन इसमें माइनस कर देते हैं तो हमको एक्चुअल एफिशिएंसी मिल जाती है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है निकालने का कि तीन चार लॉसेस ये अपन ने माइनस कर दिए तो अपने को एक्चुअल एफिशिएंसी मिली। हालांकि इन लॉसेस की संख्या 7-8 तक भी हो सकती है, वो भी हम डिटेल वीडियो इस न्यूमेरिकल के बाद अगले न्यूमेरिकल में देखेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। लेकिन वो क्या है, वो वाले पार्ट को हमको तीन चार पार्ट में ब्रेक करके बनाना पड़ेगा। पहले हम एक छोटे न्यूमेरिकल से देखते हैं, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा तो फिर हम बड़े न्यूमेरिकल में जाएंगे। तो अपन देखते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी इनडायरेक्ट मेथड से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट। तो एक बॉयलर है जो ऑयल पे चलता है, ऑयल पे चलता है ठीक है, और ऑयल का कॉन्टेंट है कार्बन उसमें 86% है, हाइड्रोजन उसमें 12% है, ऑक्सीजन उसमें 0.5% है, सल्फर उसमें 1.5% है और स्पेसिफिक हीट इसमें दिया हुआ है कि अगर इससे जो फ्लू गैस बनेगी उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस आपको लेना है 0.27 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी चीजें अपने को दी हुई है और जीसीवी ऑफ ऑयल दिया हुआ है 10,000 किलो कैल्स पर केजी ऑफ ऑयल, ठीक है दोस्तों। एक और चीज दी हुई है, देखिए ये स्पेसिफिक हीट ड्राई फ्लू गैस की लॉस निकालने के लिए हमारे को काम आएगी और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर 0.45 किलो कैल्स पर केजी दिया हुआ है, पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमको मॉइस्चर का लॉस निकालने के काम आएगी, मॉइस्चर का लॉस या हाइड्रोजन का लॉस निकालने के काम आएगी, ठीक है दोस्तों। एंथैल्पी स्टीम की जो दी हुई है 665 किलो कैल्स पर केजी ऑफ स्टीम दी हुई है। फीड वाटर का टेम्परेचर जो दिया हुआ है, फीड वाटर टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। O2, O2 देखिए, O2 परसेंटेज इन फ्लू गैस, O2 परसेंटेज इन फ्लू गैस ये दिया हुआ है 6%। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, O2 परसेंटेज इन फ्लू गैस अगर आपको दिया हुआ है तो इसी से आप सिस्टम की एक्सेस एयर निकाल लोगे, ठीक है। ये दिया हुआ है फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर, फ्लू गैस का चिमनी से जो निकलने वाला आउटलेट टेम्परेचर है ठीक है, ये 240 डिग्री दिया हुआ है, ओके। एम्बियंट भी दिया हुआ है, एम्बियंट भी दिया हुआ 30 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर। सो इतने पैरामीटर हमको दिए हुए हैं, अब हमको कैलकुलेशन से सारी चीजें निकालनी है। एक बार और हम देख लेते हैं, ऑयल का दिया हुआ है, ऑयल में बाइफर्केशन दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या है, कार्बन दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ, सल्फर दिया हुआ है। फ्लू गैस स्पेसिफिक हीट की, फ्लू गैस की स्पेसिफिक हीट दी हुई 0.27 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको ड्राई फ्लू गैस का लॉस निकालने के काम आएगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर दिया हुआ है, ये हमको मॉइस्चर का या हाइड्रोजन का लॉस निकालने के काम आएगी, ठीक है। फीड वाटर टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर दिया हुआ है और एम्बियंट टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें और O2 परसेंटेज दिया हुआ है, ये एक्सेस एयर निकालने के काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये
जो ऑयल दिया हुआ है इसको जलाने के लिए थ्योरेटिकल एयर कितनी लगेगी? तो थ्योरेटिकल एयर कितनी लगेगी, इसका फॉर्मूला है दोस्तों 11.6 इंटू कार्बन का परसेंटेज, ठीक है, प्लस 34.8 ब्रैकेट में H2 - O2/8, ठीक है, प्लस 4.35 इंटू सल्फर, इन सब का परसेंटेज हमको डालना है। तो हमारे फ्लू गैस में कितना दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है। 34.8 H2 का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। O2 का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 4.35 इंटू सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है 1.5, ठीक है दोस्तों। इस पूरे को चूंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको आप 1/100 से डिवाइड कर दो तो थ्योरेटिकल एयर इन केजी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू करीब करीब आएगी 14.2 के आसपास, 14.2 kg ऑफ एयर, ठीक है, पर केजी ऑफ लाइट ये हमको लगेगी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल एयर है, दिस इज थ्योरेटिकल एयर टू फॉर कंबशन ऑफ दिस फ्यूल, दिस इज द थ्योरेटिकल एयर। बट किसी चीज को जलाते हैं तो हमको एक्सेस एयर भी लगती है क्योंकि उन पूरे मॉलिक्यूल्स को एक्सेस एयर से हमको घिरे रहना पड़ता है, ठीक है। अब एक्सेस एयर हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहला हमने निकाला थ्योरेटिकल एयर, है ना, ये आ गया 14.2 kg ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है। सेकंड हम निकाल रहे हैं एक्सेस एयर। एक्सेस एयर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमको O2 परसेंटेज दिया हुआ था, O2 का परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 6%। तो हमको एक्सेस एयर जो निकालना है वो निकालने का तरीका है O2 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 21 - O2 का परसेंटेज इनटू 100, ठीक है। तो O2 का परसेंटेज हमको कितना दिया हुआ, 6 by 21 - 6 into 100, ठीक है दोस्तों। तो ये करीब करीब आएगा 6/15, ठीक है, 2/5, 2/5 into 100, तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। एक्सेस एयर कितनी आ गई, 40% आ गई। थ्योरेटिकल एयर कितनी आई थी, 14.2 आई थी। तो चूंकि एक्सेस एयर इतनी अपन दे रहे हैं तो अपने को एक्चुअल एयर निकालना है, अगर एक्चुअल एयर निकालना है तो ये कितना होगा, 14.2 into 1.4, ठीक है दोस्तों। सो दिस विल बी इक्वल टू 19.88 kg पर केजी ऑफ फ्यूल, इतनी एयर हम देंगे एक्चुअल एयर, इतनी एयर हम दे रहे हैं उनको, एक्चुअल एयर दे रहे हैं कि ये फ्यूल पूरा बर्न हो जाए। अब चौथी चीज हमको जो निकालनी है वो निकालनी है मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस। मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस का मतलब होता है जिसमें हम पानी को छोड़ देंगे, पानी जो भी फॉर्म होगा उसमें हाइड्रोजन के कंबशन के कारण वो सबको छोड़ देंगे। तो मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। कार्बन कितना है, 1 kg फ्यूल में 0.86, ठीक है, केजी, ठीक है। और कार्बन क्या होता है, जब कार्बन जलता है, देखो मैं छोटे में दिखा दे रहा हूं, कार्बन प्लस CO2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है। तो कार्बन 12 + 32 इज इक्वल टू 44। सो जब भी 12 किलो कार्बन जलता है वो कितना CO2 बनाता है, 44 किलो बनाता है। तो 0.86 किलो कार्बन जब जलेगा तो ये कितना बनाएगा, 44/12, ठीक है। ये कार्बन का कंबशन है जिसे मैं ऊपर लिखते जा रहा हूं, देखो दिस इज ड्यू टू कार्बन, है ना। प्लस अब आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्यूल में कितना था, हाइड्रोजन फ्यूल में था, इसमें हाइड्रोजन हम नहीं लेंगे, ड्राई फ्लू गैस निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन से पानी फॉर्म होगा, हमको निकालना है ड्राई फ्लू गैस, तो हाइड्रोजन वाला कंपोनेंट भी हम छोड़ देंगे। देखो हम साइड में पूरा लिख लेते हैं, 86% कार्बन है ना, हाइड्रोजन H2 कितना है, 12% है, ऑक्सीजन कितना है, 0.5% है, सल्फर कितना है, 1.5% है, ठीक है। ये हमारा ऑयल का बाइफर्केशन है, इसमें कार्बन के कारण इतनी फ्लू गैस बनेगी केजीज में, हाइड्रोजन वाली हम छोड़ देंगे, ऑक्सीजन वाली हम लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, देखो ऑक्सीजन के कारण फ्लू गैस कितनी बनेगी, 19.88 जो हमने निकाला था,
इसमें थ्योरिटिकल एयर हमको कितनी लग रही है, 14.22। तो जो हम एक्चुअल एयर सप्लाई कर रहे हैं और जो थ्योरिटिकल एयर का जो डेल्टा रहेगा, ये ही हमारा फ्लू गैस के रूप में बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन के रूप में। तो 23/100, 23 क्यों? क्योंकि जो फ्रेश एयर अपन दे रहे हैं 19.8, उसमें 23% ही वेट वाइज ऑक्सीजन होता है। तो 19 में से थ्योरिटिकल एयर काट देंगे, क्योंकि इतने इतने के अगेंस्ट में जितना ऑक्सीजन होगा, इतने के अगेंस्ट में जितना ऑक्सीजन होगा तो कंबशन में कंज्यूम हो गया। इन दोनों के बीच का जो डेल्टा रहेगा वो वाला ऑक्सीजन के रूप में हमको फ्लू गैस में दिखाई देगा, और वो ऑक्सीजन के रूप में देखना है तो कितना होगा, 23% ऑफ वेट। ठीक है दोस्तों, प्लस प्लस हमको सल्फर है कितना, 1.5%। सल्फर इज हाउ मच, 1.5। सो 1.5 को हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1.5 को 100 से डिवाइड किया तो 0.015। ठीक है, 0.015 इंटू 64/32। क्यों ऐसा, एस प्लस ओ टू इज इक्वल टू एस ओ टू, सो दिस इज हाउ मच, 32 धन 32 विल गिव यू 64, 64। सो 32 की जो सल्फर है वो हमको 64 kg एस ओ टू देता है। तो ड्राई फ्लू गैस कितना बनेगा, 64/32 सल्फर के अगेंस्ट, इतने सल्फर के अगेंस्ट में इतना ड्राई फ्लू गैस बनेगा। प्लस इसमें एक चीज और जुड़ेगी, देखो यहां से मैं चालू कर रहा हूं, प्लस इसमें एक चीज और जुड़ेगी, वो क्या जुड़ेगी, नाइट्रोजन। इसके अगेंस्ट में, इस पूरे के अगेंस्ट में कितना नाइट्रोजन आएगा, 19.88 हम एयर सप्लाई कर रहे हैं, इस पूरी एयर का 77% बाई वेट नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास सीधी सीधी इक्वेशन निकल के आ गई, दिस 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 प्लस दिस, ये टोटल को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19.797 से 19.8 kg ऑफ ड्राई फ्लू गैस पर kg ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल के 1 kg के लिए ये आपका ड्राई फ्लू गैस निकल गया। ठीक है दोस्तों, सो अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल एयर 14.2, एक्चुअल एयर 19.88 है ना, एक्सेस एयर 40%। इस 40% को यूज करते हुए हमने थ्योरेटिकल एयर से एक्चुअल एयर निकाल ली थी, और इस एक्चुअल एयर से हमने ड्राई फ्लू गैस का वॉल्यूम वेट निकाल लिया था, कितना वेट आया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम साइड में समराइज कर लेते हैं, साइड में हम समराइज कर लेते हैं। देखो इसके लिए मैं जगह बना लेता हूं ताकि हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए, इधर बना लेता हूं। देखो बनाने के बाद फिर मैं मिटाऊंगा ताकि हम भूल ना जाए अगली शीट में। ठीक है, ये आप देखो हमारी थ्योरेटिकल एयर कितनी आई थी, ये आई थी 14.2 kg। एक्सेस एयर कितनी आई है, ये आई 40%। ठीक है, एक्चुअल एयर कितना आया है, 19.88 आया है ना। मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितना है, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस पर केजी ऑफ ऑयल ये है 19.8 kg फ्लू गैस पर केजी ऑफ ऑयल। ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास समराइज हो गई है ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अब इनको यूज करते हुए अपन बाकी की सारी चीजें निकालेंगे, है ना, एकदम इजी समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल भले होगा तो मैं और सॉल्व कर देता हूं, एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। तो आप देखिएगा, इसमें यहां तक आ गए हम, ड्राई फ्लू गैस तक आ गए, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितना निकलेगा। अब हमको लॉसेस निकालने हैं। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट लॉस है ना, परसेंटेज हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस, ठीक है, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई फ्लू गैस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ड्राई फ्लू गैस। ठीक है, टी ऑफ गैस माइनस टी ऑफ एम्बेंट डिवाइडेड बाय जी सी वी ऑफ ऑयल, ठीक है, इंटू 100। तो हमने देखा था मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितना आ रहा है, 19.8। ड्राई फ्लू गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी थी, 0.27। ड्राई फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर कितना था, 240। एम्बेंट टेम्परेचर कितना है, 30।
डिवाइडेड बाय जीसीवी ऑफ ऑयल, ऑयल का जीसीवी कितना है 10,000, और ये 100 इधर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, बचा जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 11.23%, ये हमारा L1 आ गया, दिस इज अवर L1 है ना, लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस, ठीक है, ये पहला लॉस आ गया। अब हम सेकेंड लॉस देखते हैं, पहला लॉस आ गया, सेकेंड लॉस, सेकेंड लॉस देखो, अब सेकेंड लॉस लॉस नंबर टू, हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण, H2 प्रेजेंस के कारण लॉस कितना होगा, H2 की प्रेजेंस के कारण जो लॉस होगा वो होगा 9 × हाइड्रोजन, ठीक है, ब्रैकेट में 584 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू टेम्परेचर, वही 240 − 30, 240 ड्राई फ्लू गैस का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय जीसीवी ऑफ ऑयल दैट इज 10,000 × 100, 100 100 कट गया, ठीक है, बाकी को आप 9 × हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था, 12% था, तो इसको एक्चुअल वेट में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 kg आएगा, 584, ये फॉर्मूले में है 584, आपको ध्यान रखना है 584, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर 0.45, 240 − 30 अपॉन 100 बचा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, H2 की प्रेजेंस का लॉस, H2 की प्रेजेंस क्या करती है, H2O फॉर्म करती है, पानी फॉर्म करती है, ये पानी आपको नुकसान करता है सिस्टम पे, ठीक है, हीट लॉस करता है, तो दिस इज 7.33%, सेकेंड लॉस निकल गया। थर्ड, थर्ड लॉस, थर्ड लॉस क्या है, थर्ड लॉस रेडिएशन लॉस है, जो सीधा हमको दिया हुआ है कि रेडिएशन लॉस जो 2.45% है बॉयलर का, बॉयलर की ऊपरी सतह से हीट का रेडिएशन लॉसेस इतना है। तो अब हमारे पास तीनों लॉस आ गए, लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस, ड्राई फ्लू गैस लॉस प्लस H2 प्रेजेंस का लॉस प्लस रेडिएशन का लॉस, ये तीनों लॉस आ गए। सो पहला वाला लॉस कितना निकल के आया था 11.23%, सेकेंड लॉस कितना निकल के आया था 7.33%, और थर्ड लॉस कितना निकल के आया था 2.45%, ये तीनों को हम जो जोड़ेंगे तो टोटल लॉस निकल जाएगा, टोटल लॉस, सो टोटल लॉस हमारा जो आ रहा है 21.05% आ रहा है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट एफिशिएंसी जो होगी, इनडायरेक्ट एफिशिएंसी ऑफ दिस बॉयलर इज इक्वल टू 100 − टोटल लॉस, 100 − टोटल लॉस जो होगी वो इनडायरेक्ट एफिशिएंसी, 100 − 21.05%, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, सो दिस विल बी इक्वल टू से 79%, 79% विल बी इनडायरेक्ट एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, एफिशिएंसी इनडायरेक्ट ऑफ बॉयलर, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से हमने निकाला इनडायरेक्ट एफिशिएंसी, हम कैसे निकालते हैं, इसमें निकालने का तरीका फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं पूरी पूरी चीज। सबसे पहले आप निकालोगे थ्योरेटिकल एयर, ठीक है, सेकंड एक्सेस एयर, थर्ड एक्चुअल एयर, एक्चुअल एयर क्या होगा, एक्सेस एयर परसेंटेज है ना, एक्सेस एयर परसेंटेज से उसको एम्पलीफिकेशन दे दोगे आप, जैसे हमारा था 40% की एक्सेस एयर थी तो 1.4 × एक्चुअल एयर, थ्योरेटिकल एयर 1.8, ये 40% एक्सेस एयर थी, ये हम कैसे निकाले थे, O2 बाय O2 − 21 × 100, ठीक है, ऐसे निकाले थे अपन, O2 बाय 21 − O2, ऐसा ये निकाले थे, सो दिस इज अवर एक्चुअल एयर हो गई। नंबर फोर, आप क्या करोगे, ड्राई फ्लू गैस का वेट निकालोगे कितना आ रहा है, फॉर्मूला अपने पास है, अब इनके लॉसेस निकालना चालू करोगे, ड्राई
फ्लू गैस लॉस, लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन एंड रेडिएशन लॉस, जो दिया रहता है, ऑलरेडी गिवन रहता है. सो 100 माइनस टोटल लॉस विल गिव यू इनडायरेक्ट एफिशिएंसी. ठीक है दोस्तों. सो इस तरीके से हमको करना है, ये हमारा सीरियल रहेगा इसमें यहां से आकर. थैंक यू. आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए. ठीक है दोस्तों, थैंक यू.